आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज शर्मा, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है इस टाइम बम्पर भर्ती निकली हुई है, चाहे आप यूपी जाइए, चाहे एमपी, चाहे राजस्थान, चाहे दिल्ली, क्योंकि इस टाइम एक सुनहरा अवसर है भर्तियों का, जो कि गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हो। टेबल डेडिकेशन के साथ 4 या 5 महीने दीजिएगा। देखो, जैसे बहुत से एग्जाम्स की डेट्स नवंबर दिसंबर में दे रखी है, तो कुछ उनके लिए तो बहुत काफी कम टाइम है, लेकिन आप एक तन्मन धन से लग जाइए और अब की बार सिलेक्शन पार, कहीं ना कहीं एक जॉब अपना ले लीजिएगा। एक अपना आपको वेकेंसी चाहिए कितनी दोस्तों? एक। लेकिन इस बार इतनी भर्ती, इतनी वेकेंसी आई हुई है कि आप अपना नंबर आराम से डाल सकते हो दोस्तों। इसी आशा के साथ सोचता हूं और अल्फाबेट्स की सीरीज जो चल रही है उसको आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। दोस्तों, मैं रीजनिंग बहुत जल्दी सोच रहा हूं कि चैप्टर वाइज चैप्टर डाल दूं, क्योंकि जिससे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा ये पोर्शन थोड़ा वीक है, तो मैं सोच रहा हूं उस पोर्शन को अच्छा करने के लिए उनके लिए एक अवसर होगा कि वो पहले चैप्टर को लगाए, उसके बाद प्रीवियस पेपर लगा लें। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान देना एक बार, और क्वेश्चनों से अपने स्टार्टिंग को बढ़ाता हूं और क्वेश्चन लेता हूं मैं, फिर ध्यान देना दोस्तों। CROW क्रोन CROWN, ये क्रोन को दोस्तों लिखता है, क्रोन को लिखता है DTRAS। तो आपसे कहता है मेरे भाइयों, क्या कह रहा है ये, और फिर कहता है कि ब्रीक को लिख रहा है ये, ब्रीक BLEAK, इसको लिख रहा है मेरे भाइयों ये CN CN HEP, और आगे आपसे कह रहा है HTUMP को क्या लिखेगा, HTUMP को क्या लिखेगा। दोस्तों, इस तरीका से क्वेश्चन है, तो एक बार बताइए इसको ये क्या लिखेगा, ध्यान लेना, वही अल्फाबेट्स वाला क्वेश्चन है मेरे भाइयों। CROWN क्रोन बाई वाई DTRAS BLEAK CNHEP, तो HTUMP को क्या लिखेगा, बताइए मेरे भाइयों क्या लिखेगा ये, बताइए। देखो, ध्यान देना, सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है आपके पास नंबरिंग आना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने आपको टिप्स पर याद कराए थे, किस पर दोस्तों, एक स्टोरी के माध्यम से। तो मैं इसके लिए लिखता हूं, ध्यान देना, जैसे मैं कहूं भाई सी कितने पर होता है, 1 पर, आपको आर कितने पर होता है, 18 पर, ओ कितने पर होता है 15 पर, डब्ल्यू 23 पर, और एन कितने पर होता है मेरे भाई 14 पर, डी 4, टी 20, आर 18, ए 1, एस 19। मेरे भाइयों, 1 से 4 पर आया भाई, C 3 पर होता है मेरे भाइयों, C 3 पर 3 से 4 पर आया +1, 18 से 20 पर आया +2 मेरे भाइयों, 15 से 18 पर आया +3, 23 से 1 पर आया प्लस कितना होगा मेरे भाइयों, 4 होगा कि नहीं होगा, क्यों? देखो, 23 प्लस 4 कितना होता है मेरे भाइयों, 27 होता है, 23 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 27। लेकिन 27 पर मेरा क्या अल्फाबेट्स होगा, क्योंकि देखो यहां पर एक ऐड हो रहा है, यहां 2, यहां 3, तो इसका मतलब है 4, इसका मतलब 5 ही हो रहा है, तो इसका मतलब कंफर्म हुआ कि 4 ही हो रहा है मेरे भाइयों। लेकिन 23 प्लस 4 करता हो तो 27 होता है, 27 का मुझे पता ही नहीं मेरे भाइयों क्या होता है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि भाई मेरे पास अल्फाबेट्स जो राउंडली होता है वो 26 होते हैं, इसका मतलब एक राउंड वो क्लियर कर चुके हैं। तो मैं क्या करूं मेरे भाइयों, जब आपके पास 26 से कोई सी ज्यादा हो तो उसमें से कितना घटा दो, 26 घटा दो, कितना घटा दो, 26 घटा दो, तो 27 में से 26 गया, 27 माइनस 26, तो इसमें से 26 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे भाइयों 1 ही तो निकल के आएगा, और 1 निकल के आएगा इसका मतलब 1 पर क्या होता है, ए ही होता है। तो इसका मतलब ये क्या बन रही है सीरीज मेरे भाइयों, जो उसकी नंबरिंग है,
जो उसका अल्फाबेट्स है वो मैंने अल्फाबेट्स लिखा और जितना उसके पास नंबरिंग होती हुई जा रही है जैसे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव उसके क्रम के हिसाब से उसके स्थान के हिसाब से प्लस होता हुआ चल रहा है। तो ये वाला यदि इसी में लग जाए ये वाला फॉलो रूल तो मैं अगले में तुरंत बगैर सोचे समझे क्या कर दूंगा इस वाले रूल को फॉलो कर दूंगा दोस्तों, क्योंकि यही कहता है अल्फाबेट्स, मतलब पूरी सीरीज यही कहती है, कोडिंग कोडिंग यही पूरी कहती है मेरे भाइयों, केवल आपका एक रूल फॉलो होना चाहिए। तो ध्यान देना बी दो पर होता है, एल बारह पर, ई पांच पर, ए एक पर, के ग्यारह पर, सी तीन, एन चौदह, एच आठ, ई पांच, पी सोलह। भाई दो से तीन पर गया प्लस वन, बारह से चौदह पर गया प्लस टू, पांच से आठ पर गया प्लस थ्री, वन से फाइव पर गया प्लस फोर, ग्यारह से सोलह पर गया प्लस फाइव। इसका मतलब यही बात हुई कि जो उसकी नंबरिंग है उसका मतलब प्लस उतना करते जाइए, प्लस वन प्लस टू जो उसकी नंबरिंग है। बात क्लियर हुई? तो बस इसी फॉलो को मैं कर सकता हूं आराम से, एस उन्नीस, टी बीस, यू इक्कीस, एन तेरह, पी सोलह। अब ध्यान देना 20 में एक जोड़ दो कितना हो गया 20, 20 पर क्या होता मेरे भाई टी, वहां पर दो भाई क्योंकि दूसरे नंबर पर आ रहा अल्फाबेट्स, तो 20 प्लस दो 22, 22 पर क्या होता मेरे भाई टी वी, यहां पर तीन जोड़ दो 21 प्लस तीन कितना होता मेरे भाई 24, 24 पर क्या होता मेरे भाई एक्स, यहां पर कितना जोड़ दो मेरे भाई चार, 13 प्लस चार कितना हो गया 17, 17 पर क्या होता मेरे भाई क्यू, यहां पर पांच जोड़ दो 16 प्लस पांच 21 और 21 पर क्या होता मेरे भाई यू। तो ध्यान देना TVX QU, बात क्लियर हुई? बात समझ में आई? इस तरीका से क्वेश्चन में आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, फिर एक और क्वेश्चन लेता हूं आपके पास अच्छा सा। आज हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे आराम से, ध्यान देना मेरे भाइयों, एक और क्वेश्चन ले, ध्यान देना मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर एक और VO को लिखता है ये मेरे भाई हो G और E, G E G 4 और कहता है आपसे कि G G X A को क्या लिखेगा, बताइए मेरे भाई क्या लिखेगा। TVO को GE 4 लिख रहा है, ये 4 है मेरे भाई, तो कहता है GXA को क्या लिखेगा, बताइए बताइए मेरे भाई क्या लिखेगा, बताइए। ये केवल अल्फाबेट से आपको आने चाहिए, ठीक से आने चाहिए। मैंने आपके लिए पढ़ाया था अपोजिट्स और नंबरिंग याद करना, बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए अपोजिट भी मेरे भाइयों। ये अपोजिट है कि नहीं, ये अपोजिट है कि नहीं बताइए मेरे भाइयों, ये अपोजिट है। जी टी मैंने याद करवाया था, एफ ई बी, लेकिन सबसे बड़ी बात हुई कि ओ को क्या लिख रहा है मेरे भाइयों, फोर लिख रहा है, ये ओ को फोर लिख रहा है। और यार ओ मेरे पास कितने पर होता है मेरे भाइयों, 15 पर होता है। बहुत सौ के मन में आ रहा होगा कि एक वैसे इसको जोड़ता, यदि मैं इसको 6 लिख देता तो एक कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये क्लिक करता मेरे भाइयों कि 1 प्लस 5 कहीं 6 तो नहीं लिखना है। मेरी बात समझना, ये क्वेश्चन किस पर भी डिपेंड करते हैं, ऑप्शन पर भी डिपेंड करते हैं मेरे भाइयों, ध्यान देना। तो इसका मतलब ये 6 भी लिख देता है, लेकिन मैंने एक चीज बोली थी कि जब कभी भी कॉन्सोनेंट के साथ वॉवल को डालने की कोशिश करे तो उसकी नंबरिंग आप जरूर याद रखना। मैंने ऐसे एक क्वेश्चन कराया भी था, क्या मैंने बोला था कि ये हमेशा मेरे पास वॉवल मेरे भाइयों ए ई आई ओ यू, इनके नंबरिंग बिल्कुल कंफर्म है, इनके स्थान बिल्कुल निश्चित है, ए एक पर, ई दो पर, आई तीन पर, ओ चार पर, यू पांच पर, इनका कोई भी नंबरिंग इनका स्थान कोई भी नहीं छीन सकता है, ये नंबरिंग ये स्थान इनके मेरे भाइयों कंफर्म है। तो मेरे भाइयों ध्यान देना, ओ चार पर है कि नहीं मेरे भाइयों, तो ओ चार पर। जी का अपोजिट क्या होता है मेरे भाइयों टी, और एक्स का अपोजिट क्या होता है मेरे भाइयों सिक्स सी, और ए कितने पर होता है एक पर, टी सी वन, टी सी वन, टी सी वन,
बात क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है ना मेरे भाइयों? TC1 क्लियर हुआ यहां तक? तो क्या कर रहा था ये अपोजिट्स, और उसके बाद जो मेरे पास वॉवल्स के नंबरिंग जो कंफर्म है स्थान उसके स्थान को। बात क्लियर हुई मेरे भाइयों? समझ में आ रहा है चीजें? ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर ध्यान देना, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, और ये ध्यान दीजिएगा आप, GCTFL कहता है आपसे यू लिख रहा है, तो कहता है आपसे, तो बताइए इसको क्या लिखेगा? BBXXGKKZ इसको क्या लिखेगा बताइए मेरे भाइयों? ध्यान देना, GCTFL को XTGOU लिखता है, तो बताइए BXGKZ को क्या लिखेगा मेरे भाइयों? क्वेश्चन का एक बार आंसर बताइएगा, इसको क्या लिखेगा? लेकिन आपको मेरे भाइयों नंबरिंग आनी चाहिए, मैं इस चीज की पहले ही बोल चुका हूं। यार आपको अल्फाबेट्स आते हैं क्या अपोजिट्स और वैसे, तो आप देखते ही कर दोगे, लेकिन ये नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या कर देगा मेरे भाइयों? दिक्कत वाला क्वेश्चन बन जाएगा मेरे भाइयों। बताइए क्या होगा, एक बार आंसर इसका बताइए मेरे भाइयों, बताइए क्या होगा? ध्यान देना भाई, ये अपोजिट ही तो कर रहा है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, सब अपोजिट है मेरे भाइयों, कुछ नहीं है, सब अपोजिट है। केवल इसने क्या किया मेरे भाइयों, स्थान को थोड़ा चेंज कर दिया। किसको? स्थान को। देखो ध्यान देना, ये दो इधर से आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाइयों, ये 6 जी, इसका मतलब इसने मिडिल वाले को वही रखा, 6 GT, टी का जी, फिर यहां से स्टार्ट किया, एल का ओ, एफ का यू, इसका मतलब इसने मिडिल वाले को वही की वही रखा, और क्या कर दिया मेरे भाइयों? इसने यहां से रिवर्स लिया, यहां से इसने क्या किया? रिवर्स किया मेरे भाइयों, सी का एक्स और जी का मेरे भाइयों टी, सी का एक्स, जी का टी, और टी का क्या होता है मेरे भाइयों? जी, तो मैंने मिडिल का मिडिल में रखा मेरे भाइयों, इसका क्या होगा? एल का ओ और एफ का मेरे भाइयों यू, तो जी एक्स टी जी ओ यू। तो बस भाई मुझे यही तो करना है, यहां से मुझे रिवर्स लेना है और ये वाला तो मुझे डिक्टो रखना है मेरे भाइयों। तो ध्यान देना, एक्स का क्या होता है मेरे भाइयों? सी। बी का क्या होता है मेरे भाइयों? बाय, बी बाय। भाई जी का क्या रहेगा? टी रहेगा मेरे भाइयों। जेड का कब की बात थी? आज की। क्या था? किस में डाल दो? काले पानी में, के पी। तो सी बाई टी ए पी, सी बाई टी ए पी आंसर आया। बताइए मेरे भाइयों समझ में आया? तो इसका मतलब इसमें क्या कर रहा था मेरे भाइयों? केवल ये कर रहा था ये कि इसने केवल उल्टा किया, अपोजिट्स किया, और बीच वाले को मेरे भाई किस में रखा? वही की वही पर रखा इसने। बात क्लियर हुई? एक और क्वेश्चन लेता हूं फिर, उसके माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देना। मैं कहता हूं आपसे कि म्यूजिकल MUSICAL म्यूजिकल को मेरे भाई ये लिखता है KWQ KA CJ। तो कहता है मेरे भाई ये SP रिंकल RINKLE को क्या लिखेगा मेरे भाइयों? इसको क्या लिखेगा बताइए मेरे भाइयों? इसको क्या लिखेगा ये?
एक बार इसका आंसर बताइए आप सभी लोग। यह क्वेश्चन है मेरे भाइयों, क्या आना चाहिए भाई? जब अल्फाबेट्स, जब कोडिंग रिकॉर्डिंग चल रहा है तो इसका मतलब एक चीज दिमाग में बैठा लो कि अल्फाबेट्स तो दिमाग में घुसे होने चाहिए, उसकी सेप बनी होनी चाहिए कि डी चार ई पास एक्स ऑवेज जेड छब्बीस या एल बारह, बिल्कुल दिमाग में घुसा लो, इस चीज को बैठा लो, कहीं निकल ना जाए, निकल गई तो क्वेश्चन भी निकल जाएगा, समझ रहे हो ना? तो ध्यान देना, अल्फाबेट्स में भाई इसकी नंबरिंग एम 13 पर होता है, यू 21 पर होता है, एस 19 पर होता है, आई 9 पर, सी 3 ए 1 एल 12, के 11 डब्ल्यू 23 क्यू 17 के 11 ए 1 सी 3 और जे 10। अब इसका ये देखिएगा कि इसमें आखिरकार सीरीज में ऐसा क्या चल रहा है कि जो मेरी बात बन जाए तो मैं आगे भी बना दूं। मैं तो भाई आप इनको भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यदि आपने इनको एक बार ठीक से कर लिया ना तो आपके माइंड तुरंत क्लिक करेगा और कहेगा यार कि ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, इतना जोड़ रहा है, इतना घट रहा है, कहने का मतलब माइंड में कहीं ना कहीं तुरंत क्लिक कर जाएंगी चीजें। तो ध्यान देना भैया, 13 से 11 पर आ रहा हूं तो माइनस 2 हो रहा है, 21 से 23 पर जा रहा हूं इसका मतलब प्लस 2 हो रहा है, 19 से 17 पर आ रहा हूं इसका मतलब माइनस 2 हो रहा है, 9 से 11 पर आ रहा हूं इसका मतलब प्लस 2 हो रहा है मेरे भाइयों, 3 है ये आई फिर सो, हाँ देखो ध्यान देना ये प्लस 2 हुआ, 3 से 1 पर आ रहा हूं माइनस 2 हो रहा है मेरे भाइयों, 1 से 3 पर आ रहा हूं प्लस 2 हो रहा है मेरे भाइयों, 12 से 10 पर आ रहा हूं माइनस 2 हो रहा है मेरे भाइयों। इसका मतलब क्या हुआ? -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2। ये एक सीरीज चली कि पहले माइनस 2 कर रहा है प्लस फिर बाद में 2 कर रहा है, तो इसका मतलब एक सीरीज चल रही है ना मेरे भाइयों, पहले माइनस 2 फिर प्लस 2, ये एक सीरीज है, ये एक श्रृंखला है कि जो इस तरीका से चीज है चल रही है मेरे भाइयों। तो ध्यान देना, मैं आगे फिर इसी चीज को देखते हुए फिर ये वाला रूल किस पर फॉलो हो जाएगा मेरे भाइयों, इस वाले पर फॉलो हो जाएगा, एस 19 पर होता है, पी 16 पर, आर 18 पर, आई 9, एन 14, के 11, एल 12, ई 5। मेरे भाइयों यहां पर -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 भाई कितना बच जाएगा यार, 17, यहां कितना हो जाएगा मेरे भाइयों 18, यहां कितना हो जाएगा मेरे 16, यहां कितना हो जाएगा 11, यहां कितना हो जाएगा 12, यहां मेरे भाइयों 13, यहां 10 और यहां 7। तो ध्यान देना, क्यों कितने पर है 17 पर, क्यों 18 पर मेरे भाइयों आर, 16 पर मेरे भाइयों पी, 11 पर मेरे भाइयों के, 12 पर एल, 13 पर मेरे भाइयों एम और 10 पर मेरे भाइयों जे और 7 पर मेरे भाइयों जी, क्यू आर पी के एल एम जे जी। तो मेरे भाइयों 17 पर क्यू, 18 पर आर, 16 पर पी, 11 पर के, 12 पर एल, 13 पर एम, 10 पर जे और जे पर 7। तो क्यू आर पी के एल एम जे जी इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों, क्यों? क्योंकि आपको एक सीरीज पता चला कि मेरे भाइयों ये सीरीज जुड़ रही है, तो जो उसमें फॉलो हो रहा है आप उसी को करोगे मेरे भाइयों। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं फिर एक बार, फिर उसका आप एक बार आंसर बताइए। आज क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन होते रहेंगे आज। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देना एक बार, अब क्वेश्चन लिख लेते हैं, समझ में आया मेरे भाइयों? ये सीरीज बहुत ज्यादा करा दे रहा हूं मैं इसीलिए, क्योंकि आपको पेपर्स में एग्जाम्स में दिक्कत ना आए आपके पास मेरे भाइयों, एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं करा देता हूं। ध्यान देना, STU, 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 BBBORN, इसको मेरे भाइयों ने लिख रहा है BUTA, BUTA
एसपी, तो हमसे कहता है, तो हमसे कहता है शिपिंग को क्या लिखेगा, एस एच आई डबल पी आई एन जी। कोशिश करिए एक बार इसका आंसर बताइए मेरे भाइयों, कोशिश करिए और इसका आप एक बार आंसर बताइए कि इसका आखिरकार आंसर क्या होगा मेरे भाइयों, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ बताइए इसका आंसर क्या होगा। एस टी यू डबल बी ओ आर एन को बी यू टी डबल ए ओ एस पी लिखता है तो कहता है एस एच आई डबल पी आई एन जी को क्या लिखेगा, शिपिंग को क्या लिखेगा, इसका एक बार आंसर बताइए। देखो ध्यान देना, यदि आपको नंबरिंग आती है ना, यदि अल्फाबेट्स आता है तो कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक कर जाएगा कि यार ये वाला रूल फॉलो हो रहा है क्या कहीं, क्योंकि वो एक माइंड में क्लिक करने वाली चीज आ जाती है, जगह आ जाती है मेरे भाइयों, ध्यान देना। ये देखो यहां से ये आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाइयों, यू का एक कम, कोई बात नहीं नंबरिंग लिख देते हैं, एस 19 टी 20 यू 21 बी 2 बी 2 ओ 15 आर 18 और एन 14 वी 22 यू 21 टी 20 ए 1 ए 1 ओ 15 एस 19 पी 16। तो ये क्या हो रहा मेरे भाइयों, यहां से देखो ध्यान देना भाई, यू 21 से प्लस 1 22 मेरे भाइयों, यहां से क्या गया 20 से 21 पर आए प्लस 1, 19 से 20 पर आए प्लस 1, इसका मतलब ये तीन पीछे वाले से प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कर रहा है या नहीं कर रहा है मेरे भाइयों, प्लस प्लस 1 1 करता हुआ आगे चलना मेरे भाइयों, 21 से मेरे भाई 22 पर गया प्लस 1, 20 से 21 पर गया प्लस 1, 19 से 21 पर गया प्लस 1, ध्यान देना। फिर इस पर आते हैं मेरे भाइयों, यहां पर माइनस 1 1 कर रहा है मेरे भाइयों, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस 1 ये प्लस 1 ये प्लस 1 ये माइनस 1 ये माइनस 1, फिर उसके बाद देखो क्या हो रहा है, फिर मैं इधर से आता हूं मेरे भाइयों, ध्यान देना। अब ये कौन कौन बचा, केवल बचे तो मेरे भाइयों ये वाले, केवल कौन कौन बचा मेरे भाइयों, ये वाला बचा, अब ध्यान देना। फिर इस पीछे से लिया, फिर क्या हो रहा है मेरे भाइयों, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो रहा नहीं हो रहा है भाई, एन 14 से प्लस 1 15, आर 18 से प्लस 1 19, ओ 15 से प्लस 1 16, इसका मतलब यह हुआ कि इसने तीन तीन का पेयर लिया, थ्री थ्री का पेयर बनाया, थ्री वाले को मैंने पहले से मतलब इस राइट हैंड से इधर से किया, उसमें प्लस 1 किया, फिर उसमें मैंने 20 में कितने अल्फाबेट्स को छोड़ा, प्लस मतलब दो अल्फाबेट्स को छोड़ा, और उसमें कितना माइनस किया, माइनस 1 1 किया, फिर उसके बाद इधर थ्री बचे तो फिर मैंने थ्री को पेयर लिया और उसमें मैंने क्या किया मेरे भाइयों, प्लस 1 प्लस 1 फिर प्लस 1 किया, यही सीरीज चली ना मेरे भाइयों, यही चला कि नहीं चला, ध्यान देना। अब मैं वही काम करता हूं कि इसका मेरे भाइयों तीन का पेयर बनाऊंगा, फिर इसको दो को छोड़ दूंगा, फिर मैं यहां पीछे से लूंगा, अब इनकी नंबर भी लिख देता हूं, एस 19 एच 8 आई 9 पी 16 पी 16 आई 9 एन 14 और जी 7, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा मेरे भाइयों। अब ध्यान देना, थ्री के पेयर में मैं यहां से प्लस 1 करूंगा, 9 और 1 10, 10 पर क्या होता है मेरे भाइयों जे, 8 में 1 जोड़ूंगा 9, 9 पर क्या होता है मेरे भाइयों आई, एस 19 में 1 जोड़ दूंगा 20, 20 पर क्या होता है मेरे भाइयों टी, इसमें से घटा दूंगा कितना भाई 16 में से 1 गया 15, और 15 पर क्या होता है ओ, और यहां पर भी क्या हो जाएगा मेरे भाइयों ओ। अब मैं यहां से फिर पीछे से प्लस 1 करूंगा, 7 में 1 जोड़ दूंगा 8, और 8 पर क्या होता है मेरे भाइयों एच, 14 में 1 जोड़ दूंगा 15, 15 पर क्या होता है मेरे भाइयों ओ, और 9 में 1 जोड़ दूंगा 10, 10 पर क्या होता है मेरे भाइयों जे, तो जे आई टी डबल ओ एच ओ जे, ये आपका आंसर है, ये क्लियर है मेरे भाइयों, क्यों, क्योंकि इसने यह वाला ही तो रूल फॉलो किया, जो आगे रूल फॉलो करता हुआ चल रहा है तो इसका मतलब मैं आराम से तो कर सकता हूं ना ऐसे मेरे भाई, क्यों, क्योंकि देखो ध्यान देना भाई, इसने थ्री थ्री के पेयर ही लिए, तो आई 9 से प्लस 1 किया जे, एच 8 में प्लस 1 किया, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8 में 1 जोड़ा 9, 9 पर क्या होता है मेरे भाई आई, भाई एस 19 में 1 जोड़ा 20, 20 पर क्या हो गया टी, जो बीच में फिर ये दो थे इसमें मैं कितना कर रहा था मेरे भाई, माइनस 1 माइनस 1 कर रहा था, तो भाई 16 में से 1 गया 15, 15 पर क्या होता ओ, 16 में से 1 गया 15, 15 पर क्या होता मेरे भाई ओ, फिर पीछे से आया
तो मेरे भाई क्या हुआ, सात में एक ऐड किया आठ, आठ पे क्या होता है एच, चौदह में एक जोड़ा पंद्रह, पंद्रह पर क्या होता है ओ, आई में एक जोड़ा दस और दस पर क्या होता है मेरे भाई जी। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई, तो ठीक है एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक से एक अच्छा क्वेश्चन लेते रहेंगे, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लेंगे आज, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप केवल मेरे भाइयों मेहनत करो ठीक से, एक बार मेहनत करोगे तो है कि आप आराम से जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो मेरे भाइयों। ये बहुत जरूरी होता है कि एक बार ढंग से स्टडी करो मेरे भाइयों, क्यों, क्योंकि इस बार बम्फर भरती है, मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जो एक बार लाइफ में मौका मिलता है ना मेरे भाइयों, वो दोबारा बहुत मुश्किल से लौट के आता है। तो ये आपके पास वक्त है, टाइम भी है, सब कुछ है, तो मेहनत कीजिएगा, इसका फुल फायदा उठाइएगा, ध्यान देना मेरे भाइयों। रेन को आर ए, रेन को लिखता है मेरे भाइयों ओ एच बी क्यू, ओ एच बी क्यू, तो कहता है समर को क्या लिखेगा, एस यू डबल एम ई आर, क्या लिखेगा, आर ए आई एन को ओ एच बी क्यू लिखता है तो एस यू डबल एम ई आर को क्या लिखेगा मेरे भाइयों, बताइए इसको क्या लिखा जाएगा, बताए मेरे भाइयों, बताए एक बार इसको क्या लिखेंगे आप, किसी के माइंड में कोई क्लिक कर रहा हो, ध्यान देना भाई, नंबरिंग आनी चाहिए, आर अठारह ए एक आई नौ एन चौदह ओ पंद्रह एस आठ बी दो क्यू सत्रह, भाई अठारह से मैं प्लस माइनस चार करता हूं तो पंद्रह, फिर इधर करता हूं तो वन से आठ पर प्लस सात, इसका मतलब ये वाली सीरीज तो इस तरीका से तो नहीं बनना बन पा रही आगे से भाई, नहीं बन पा रहा ना, क्यों नहीं बन पा रहा, ध्यान देना भाई, आर अठारह सो पंद्रह माइनस थ्री, ठीक है मेरे भाई हो, ए एक से एच आठ पर प्लस सात, ठीक है मेरे भाई हो, नौ से माइनस सात, ठीक है, फिर तो कहीं ना कहीं ये सीरीज तो नहीं बन रही, ध्यान देना, फिर मैं पीछे से देखता हूं, चौदह से पंद्रह पर आया प्लस वन, नौ से आठ पर आया कितना हो रहा मेरे भाइयों माइनस वन, ए से दो पर आया प्लस वन, अठारह से सत्रह पर आया माइनस वन, इसका मतलब पीछे से क्या हुआ, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, यही हुआ कि नहीं हुआ भाई, चौदह से पंद्रह पर आया प्लस वन, नौ से आठ पर आया माइनस वन, एक से दो पर आया प्लस वन, अठारह से सत्रह पर आया माइनस वन, तो पीछे से ये सीरीज चल रही थी मेरे भाइयों, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, यही सीरीज चल रही थी, नहीं चल रही थी मेरे भाइयों बताइए, तो बस वही जो सीरीज चल रही थी उसी को मैं यहां पर तो फॉलो कर दूंगा मेरे भाइयों, ध्यान देना, एस उन्नीस ये इक्कीस एम तेरह, एम तेरह ई पास आर अठारह, बस पीछे से वही है, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, यही था कि नहीं मेरे भाई, यही था कि नहीं, प्लस वन, बस इसको आप कर लीजिएगा सॉल्यूशन इसका भाई, एक गया अठारह, एक जोड़ रहा बाईस, एक घटाया बारह, एक जोड़ा चौदह मेरे भाइयों, कितना बचा चार, कितना हो गया उन्नीस, आगे से लिख रहा है पीछे से मेरे भाई, पीछे से तो लिख रहा था मैं, तो क्या होगा मेरे भाई, एस पर क्या होता, उन्नीस पर क्या होता एस, चार पर डी, चौदह पर एन, बारह पर एल, बाईस पर बी, अठारह पर आर, तो एस डी एन एल वी आर, क्यों मेरे भाई पीछे से तो हो रहा था, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, तो प्लस वन भाई अठारह और एक उन्नीस भाई, चार में से गया डी, प्लस वन माइनस वन प्लस वन और माइनस वन, तो ध्यान देना ये आंसर आपका हो गया मेरे भाई हो, एच डी एन एल वी आर,
क्लियर है, बात समझ में आ रही है आप सभी के? कोई यहां तक प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइए एक बार आप, सब कुछ क्लियर है मेरे भाइयों? बस प्रैक्टिस करते रहिए। मैं टाइप वाइज भी इसके क्वेश्चन लेके आ रहा हूं और सोच रहा हूं कि इसका एक बार आपके पास टाइप वाइज भी इसके करा दीजिए। तो एक बार फिर एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ध्यान देना मेरे भाई, समझ में आया ये? ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आर ई एस आई एस टी को ये लिखता है ओ ए एन पी ओ ई। तो आपसे कहता है, फिर आगे भी लिख रहा है मेरे भाइयों, DIGENT डिजाइंट NE, ये इसको लिख रहा है मेरे भाइयों, CE ZA JA। तो आपसे कहता है इसको क्या लिखेगा मेरे भाइयों, किसको? जिंजर को क्या लिखेगा? GINGER। इसको क्या लिखेगा बताइए मेरे भाइयों, इसको ये क्या लिखेगा? RESIST को ONPOE लिखता है, DIGENE डिजाइन को CEZA JA लिखता है, तो कहता है जिंजर GINGER को क्या लिखेगा बताइए मेरे भाइयों, इसको क्या लिखा जाएगा बताइए एक बार इसका आंसर, इसको क्या लिखा जाएगा मेरे भाइयों, सोचिए। क्वेश्चन ठीक है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, केवल सोचने की क्षमता होती है आपके इन क्वेश्चनों मेरे भाइयों, क्यों? क्योंकि आपको अल्फाबेट्स आते हैं, केवल आपके अल्फाबेट्स टिप्स पर आए तो आपकी तुरंत बात बन जाती मेरे भाइयों, क्यों? क्योंकि वो जो अल्फाबेट्स माइंड में क्लिक कर जाता है ना कि यार ये इसका आंसर पक्का होगा, क्यों? क्योंकि वो माइंड ही आपको लिखने की जरूरत नहीं होती यार, +1 -2, अच्छा ये इसका प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आपको ये लिखना पड़ता है, फिर भी कोई बात नहीं। देखो यदि इन दोनों में जो रोल फॉलो होगा तो थर्ड पे 101% रोल फॉलो करेगा, क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये दोनों पर कोई रोल ऐसा नहीं है, देखो ध्यान देना, कि इस पर फॉलो किया इस पर फॉलो नहीं किया तो आप थर्ड वाले पे फॉलो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप भी तो चढ़ के आप जाते हो, ऐसा नहीं कि आपने पहली सीढ़ी छोड़ी सेकंड पर चढ़ गए, आपको फर्स्ट पर चढ़ोगे जब ही सेकंड पर चढ़ोगे, ऐसा नहीं आप कहोगे सर उछाल लगा के हम चढ़ जाए, तो वो एक ऑथेंटिक मेथड तो नहीं है ना, आप जा सकते हो, आपकी क्षमता है तो फोर्थ पे भी जा सकते हो, वो एक अलग मैटर है, ध्यान देना। R18 E5 S19 I9 S19 T20, O15 A1 N14 P16 U15 E5, D4 I9 G7 E5 N14 E5। मैंने सब कुछ याद कराई थी आपके पास, मैंने बिल्कुल टेस्ट पर याद करवा दिए थे आपके पास, ध्यान देना। अब ये रूल फॉलो देख रहा है कि यार रूल आखिरकार फॉलो क्या हो रहा है मेरा, सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि रूल फॉलो क्या कर रहा है मेरा और रूल फॉलो क्या है, ध्यान देना भाई। मेरे पास ये तीन है, देखो देखो ध्यान देना, ये यहां से आप तीन तीन के पेयर बनाओ, देखो ध्यान देना, 19 से 15 पर आया -4, 5 से 1 पर आया -4, 18 से 14 पर आया -4, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सभी में -4 -4 -4, ये पीछे से रिवर्स लिया, ये पीछे से रिवर्स लिया और क्या कर रहा है मेरे भाई, -4 -4 -4 यही कर रहा है ना, क्यों? देखो ध्यान देना, 19 से 15 पर आया -4 भाई, E5 से 1 पर आया -4 भाई, R18 से 14 पर आया -4, फिर देखो इसका फिर यही से तो पीछे से रिवर्स फिर करेगा अभी भैया, 20 से 4 गया 16, ठीक है मेरे भाइयों, 19 में से 4 गया
15 मेरे गुड मेरे भाई ओ होगा और 9 में से 4 या 5 ई होगा, बात क्लियर है। तो इसका मतलब क्या किया इसने, 3-3 का पेयर बनाया, 3-3 का पेयर बनाया और उसके बाद क्या किया मेरे भाइयों, रिवर्स पीछे से लिया और कितना माइनस सबट्रैक्ट किया मेरे भाइयों, -4 -4 -4 -4 सबट्रैक्ट किया, इसने -4 घटाया मेरे भाइयों, यही हो रहा है ना, ध्यान देना। फिर आगे यदि ये वाला रूल यहां पर ये अगला वाले पे भी फॉलो हो जाता है तो मेरी बात बन जाएगी, यदि नेक्स्ट वाले पर रूल फॉलो नहीं होता है तो बात कहीं ना कहीं नहीं बनेगी, और बात नहीं बनेगी तो इसका मतलब मुझे कोई और फिर सेकंड देखना पड़ेगा कोई रूल, तो इसका मतलब रूल तो और फिर देखना पड़ेगा, तो ध्यान देना भैया 7 में से 4 गया 3 वेरी गुड ये हो रहा है मेरे भाई, 9 में से 4 गया 5 वेरी गुड। अब मेरे भाई ध्यान देना 4 में से 4 जाएगा तो 0 और 0 का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, मतलब एक राउंड क्लियर कर चुका है, 0 का मतलब मेरे भाइयों जेड 26 ही होगा ना, क्योंकि वो राउंड से क्लियर है मेरे भाइयों, और 26 का मतलब क्या हुआ मेरे भाइयों जेड होता है, क्योंकि आपके इस मन में आ रहा होगा ना सर ये जेड कहां से आ गया, आ रहा होगा ना कि सर ये जेड कहां से आ गया, तो भाई डी 4 में से 4 घटा दूंगा भाई, 4 में से 4 घटा दूंगा, 4 में से 4 घटाने का मतलब 0 और 0 का मतलब वो राउंड क्लियर है और 0 का मतलब क्या हुआ मेरे भाइयों 26 और 26 के तहत क्या होता है मेरे भाइयों जेड होता है, 26 पर क्या होता है मेरे भाइयों जेड होता है, बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना ये बात या नहीं आ रही है मेरे भाइयों बताइए। तो बस आपका रूल फॉलो हो गया, स्कोर देख लीजिएगा भाई, ई 5 में से 4 गया 1 एंड 14 में से 4 गया 10 पर और ई 5 में से 4 गया 1 मेरे भाइयों 1 हो गया। तो बस इसका देखो यहां से ये कर दो G7 I9 N14 J7 A5 R18 ध्यान देना मेरे भाइयों, बस अब आगे की तरफ थोड़ा भाई 14 में से 4 गया तो कितना बचेगा मेरे भाइयों 10 क्योंकि मेरे भाई सभी में से -4 -4 -4 -4 -4 -4 ये सब टैक्ट तो किया है, 14 में से 4 गया 10 10 पर क्या होता है मेरे भाइयों जे, 9 में से 4 गया 5 5 पर क्या होता है मेरे भाइयों ई और 7 में से 4 गया तो 3 3 पर क्या होता है मेरे भाइयों सी। फिर यहां से 18 में से 4 गया कितना बचा मेरे भाई 14 14 पर क्या होता है मेरे भाइयों एन, 5 में से 4 गया 1 1 पर क्या होता है मेरे भाइयों ए और 7 में से 4 गया 3 3 पर क्या होता है मेरे भाइयों सी, जेई सी एन ए सी, जेई सी एन ए सी, ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों या नहीं आ रही है बताइए, जेई सी एन ए सी आंसर आया आपका। तो ये क्या कर रहा था मेरे भाइयों, ये पीछे से क्या कर रहा था ये केवल कि इसने 3-3 के पेयर बनाए और 3-3 के पेयर के बाद इसने क्या कर दिया मेरे भाइयों उसको रिवर्स लिख दिया, बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है आप सभी के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूं मैं एक बार और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फिर कि उसका आंसर क्या होगा, ध्यान देना मेरे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये लिख रहा है आपके पास हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को लिखता है मेरे भाइयों HOSPITAL, हॉस्पिटल को मेरे भाइयों लिख रहा है ये 3257 4618। तो आपसे कहता है आगे मेरे भाइयों POSTAL इसको क्या लिखेगा मेरे भाइयों, POSTAL को क्या लिखेगा बताइए मेरे भाइयों, इसको क्या लिखेगा बताइए। मैंने जब आपके पास प्रैक्टिस सेट फिर भी मैंने एक बार जब कराया था तो मैंने एक चीज बताई थी आपके लिए कि ध्यान देना कहीं ऐसा ना हो कि यार वही के वही अल्फाबेट्स घुमा फिर के आपको दिखाई दे रहे हो, तो एक चीज याद रखना कि हो सकता है कि वही केवल आपके पास नंबरिंग आ रही हो, वही अल्फाबेट्स यूज ना कर रहा हो कहीं ना कहीं, यही मैंने बोला था ना HOSPITAL हॉस्पिटल 3257 4618।
तो देखो ध्यान देना, पीवीसी में दिखाई दे रहा है, ओबीसी में दिखाई दे रहा है, एसबीसी में दिखाई दे रहा है, पीबीसी में दिखाई दे रहा है, एबीसी में दिखाई दे रहा है और एलबीसी में दिखाई दे रहा है। दे रहा है नहीं दे रहा मेरे भाई बताइए, तो ध्यान देना बस। अब देखो यहां पर, अब इसको ज्यादा सरल बनाने के लिए तो कोई नहीं मेरे भाइयों, बस केवल आप ये देखोगे मेरे भाइयों, एक दो तीन चार पर पी को क्या लिख रहा है, सात लिख रहा है, ओ को क्या लिख रहा है, टू लिख रहा है। मैं तो देखते ही, या आप भी जिसने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी है वो देखते ही इसका आंसर कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको तो मेरे भाइयों पता ही है कि यार ये चौथे नंबर पर पी है, इसको ये लिख रहा है, क्योंकि इसी में से जो नंबर ही आ रही है। लेकिन नहीं जानते हो तो फिर भी आप इसको एक मान लो, दो तीन चार पांच छ सात आठ, इस पर भी लिख दो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। मेरे भाइयों ध्यान देना, फोर पर तुरंत दिखाई देगा सात लिख रहा है, तुरंत ओ कितने पर है, दो पर, तो है दो लिख दो। इस तरीका से भी कर सकते हो आप। ये कब है, जब आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है और जब आप जानते हो तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो। पी कितने पर है मेरे भाइयों, चार पर। पी कितने पर है, चार पर, और चार पर क्या लिख रहा है मेरे भाइयों, देखो ध्यान देना, चार पर क्या है मेरे भाइयों, सात है कि नहीं, क्योंकि वन टू थ्री ये सात है। दूसरे पर क्या है मेरे भाइयों, ओ दो पर है, तो दो पर क्या है मेरे भाइयों, दो ही है। एस तीन पर है, तीन पर क्या है मेरे भाइयों, फाइव है। टी किस पर है, सिक्स पर, सिक्स पर क्या है मेरे भाइयों, सिक्स ही है। ए कितने पर है मेरे भाइयों, ए सात पर, और सात पर क्या, एक है मेरे भाइयों। एल आठ पर, और आठ पर क्या मेरे भाइयों, आठ ही है। तो सेवन टू फाइव सिक्स वन एट, सेवन टू फाइव सिक्स वन एट। ये केवल उसी ने क्या किया मेरे भाइयों, उसी के नंबरिंग उठा के उसी में रख दिए। क्योंकि मैंने बोला था ना कि ऐसा भी होता है मेरे भाइयों कि वो लिख देता है, नंबरिंग को घुमा फिर के वही कर देता है। एक फिर क्वेश्चन लेता हूं मैं आगे, अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन फिर करते हैं हम। ये लिखता है इस तरीका से, कुछ ना कुछ आपके पास जरूर ऐसा डाटा देता है कि जिससे पता चल जाता है। ए को वन लिख रहा है मेरे भाइयों, सी ए टी टेट को मेरे भाइयों ये क्या लिख रहा है, चौबीस लिख रहा है, ट्वेंटी फोर। तो कहता है पुलिस को क्या लिखेगा, पी ओ एल आई सी ए, तो कहता है पुलिस को क्या लिखेगा, बताइए मेरे भाइयों पुलिस को क्या लिखेगा। केवल अब आपको यह आना चाहिए कि नंबरिंग आखिरकार क्या कर रही है। अल्फाबेट्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाइयों, अल्फाबेट्स यदि आपको याद नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी बात बिगड़ सकती है मेरे भाइयों, ध्यान देना। भाई ए एक पर है, ये तो मुझे पता ही, अल्फाबेट्स हमेशा एक पर होता है। सी तीन पर होता है, ए एक पर, टी बीस पर, यही होता है कि नहीं होता है। सी तीन पर, ए एक पर, टी बीस पर, तो ध्यान देना, बीस और एक इक्कीस और तीन चौबीस, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इन नंबरिंग को जोड़ रहा है। इस अल्फाबेट्स को क्या कर रहा है मेरे भाइयों, ये सभी को क्या कर रहा है मेरे भाइयों, ऐड कर रहा है, सभी को क्या कर रहा है मेरे भाइयों, जोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि थ्री प्लस वन प्लस ट्वेंटी, तो थ्री प्लस वन फोर, फोर और ये कितना हो जाएगा, ट्वेंटी, ट्वेंटी फोर। इसको ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है मेरे भाइयों बताइए। और जब ये ऐड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि एक पर है तो एक पर ही होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस वाले के भी मैं नंबरिंग लिखूंगा और उसको क्या कर दूंगा मेरे भाइयों, ऐड कर दूंगा। तो ध्यान देना, पी सोलह पर होता है, ओ पंद्रह मेरे भाइयों, एल बारह, आई नौ, सी तीन, ई पांच। पंद्रह और सोलह इकतीस, इकतीस मेरे भाइयों ये कितना हो? देखो सोलह और पंद्रह इकतीस, इकतीस और ये मेरे भाइयों कितना हो जाएगा, इकतीस और बारह कितना हो गया मेरे भाइयों, तैतालीस, तैतालीस और ये मेरे भाइयों तैतालीस और ये आठ, तैतालीस और आठ इक्यावन और नौ साठ। तो कितना आंसर हो इसका हो जाएगा, सिक्सटी। क्या आंसर हो जाएगा इसका, सिक्सटी, साठ, क्योंकि इकतीस तैतीस ये फिर आठ और नौ, ऐसे जोड़ लो आप तीन और पांच आठ करके, कैसे भी जोड़ सकते हो, वो आपको केवल आना चाहिए। ये मेरे भाइयों ऐसे भी कर देता है वो, क्योंकि वो एड बाई नंबरिंग को दे देगा, उसे तो केवल क्वेश्चन ही तो करवाना है मेरे भाई, वो कुछ भी दे सकता है, उसके मन की बात है मेरे भाइयों, आपके मन की बात नहीं चलेगी। केवल मन की बात किसकी चलेगी मेरे भाइयों, उसी की ही चलती है मेरे भाइयों। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, फिर उसके माध्यम से और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा मेरे भाइयों, ध्यान देना।
ये क्वेश्चन है फिर बहुत छोटा सा, इसका आंसर सभी कर देंगे जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं और जहां तक उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर मेरे भाइयों सभी स्टूडेंट्स कर देंगे। ध्यान देना मेरे भाइयों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ये कह रहा है, ध्यान देना मैं बोलता हूं। ए पी आई ओ, ध्यान देना, इसको लिख रहा है 26, 11, 18, 16। तो कहता है आपसे ए आई जी एच टी को क्या लिखेगा, एट को क्या लिखेगा, बताइए मेरे भाई इसको क्या लिखेगा, ए आई जी एच टी को क्या लिखेगा मेरे भाइयों। ए पी आई ओ को 26, 11, 18, 16 लिखता है, तो ई आई जी एस टी को क्या लिखेगा, एट को क्या लिखेगा, ये आपको अब आना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाइयों, ध्यान देना। मैंने क्या बोला था, अल्फाबेट्स की नंबरिंग और अपोजिट दोनों के दोनों आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने क्या बोला था, अल्फाबेट और अपोजिट ये दोनों के दोनों आना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाइयों। अल्फाबेट भी आना जरूरी है और अपोजिट भी आना जरूरी है मेरे भाइयों। ये दोनों की दोनों कंडीशन आना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान देना। पर ए एक पर होता है बात तो नहीं दिखाई दे रही है, चलो 25 जोड़ देता हूं। पी 16 पर होता है यार बात तो नहीं बन रही है, चलो 5 घटा देता हूं। फिर आगे में मेरे पास 25 जुड़ना चाहिए। आई 9 पर होता है, 18 बात नहीं बन रही है, इसका मतलब बात तो मेरी नहीं बनी, बात तो मेरी नहीं बनी मेरे भाइयों। क्यों? क्योंकि यार वो सीरीज तो कोई बनी नहीं रही, या तो ये हो +2, -4, +5, +1 में कुछ भी हो, एक सीरीज तो चलनी चाहिए ना, क्योंकि वो आपके क्रम तो होना चाहिए ना, उसी क्रम के हिसाब से तो आप आगे डिफाइन कर पाओगे। हाँ भाई, बात क्लियर है या नहीं भाई? उसी के अनुसार कहीं तो आप मेरे भाइयों डिफाइन कर पाओगे कि बात ये सही है, ये बात गलत है, बात आगे ध्यान देना। फिर तो ध्यान देना, ए का अपोजिट क्या होता है, 26। ए का अपोजिट सॉरी जेड आज का क्या होता है, 26। पी का अपोजिट के काला पानी, 11। आई का अपोजिट आर का 18। इसका मतलब ये क्या किया इसने, अपोजिट का नंबरिंग लिखा। क्या किया मेरे भाइयों, अपोजिट का क्या किया, नंबरिंग किया। यही किया कि नहीं किया, ध्यान देना। ए का अपोजिट क्या होता है मेरे भाइयों, जेड। पी का अपोजिट के, आई का अपोजिट आर, ओ का अपोजिट पी। ए का अपोजिट जेड, पी का अपोजिट के, आई का अपोजिट आर, ओ का अपोजिट पी। और मेरे भाइयों ये आपको पता ही है कि नंबरिंग यही वाले होते हैं इसके, क्योंकि जेड मेरे भाइयों 26 पर होता है, के 11 पर, आर 18 पर, पी 16 पर, यही नंबरिंग होती है कि नहीं। तो इसने क्या किया, अपोजिट्स का नंबरिंग लिखा। क्या किया मेरे भाइयों, इसने अपोजिट्स का नंबरिंग किया। यही किया कि नहीं किया मेरे भाइयों, बताइए। अब ध्यान देना, जब इसने अपोजिट्स का नंबरिंग किया मेरे भाइयों, तो अब आगे ध्यान देते हैं। इसका भी, ई का अपोजिट बी, आई का अपोजिट आर, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, टी का अपोजिट जी, यही है कि नहीं। ई का अपोजिट बी, आई का अपोजिट आर, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, टी का अपोजिट जी, तो ध्यान देना। 22 बी कितने पर होता है मेरे भाइयों, 22 पर। आर कितने पर होता है मेरे भाइयों, 18 पर। टी कितने पर होता है मेरे भाइयों, 20 पर। एस कितने पर होता है मेरे भाइयों, 19 पर। और जी कितने पर होता है मेरे भाइयों, 7 पर। 22, 18, 20, 19, 7। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई मेरे भाइयों, बात क्लियर है ना, बात क्लियर है। एक और क्वेश्चन लेता हूं फिर मैं आपके पास, ध्यान देना। एक और क्वेश्चन लेता हूं फिर, ध्यान देना। क्वेश्चन है एन ओ, एन ओ आई डी ए को नोएडा को 396 लिखता है, तो कहता है आई एन डी आई ए को इंडिया को क्या लिखेगा, आई एन डी आई ए इंडिया को क्या लिखेगा, बताइए मेरे भाइयों क्या लिखा जाएगा, आई एन डी आई ए को इंडिया को क्या लिखा जाएगा।
बस एक चीज याद रखना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं के वही अल्फाबेट्स घुमा फिर के आपसे वही पूछ रहा हो, इस बात का बस ध्यान रख लेना। ऐसा तो नहीं है कि कहीं अल्फाबेट्स आपसे वही तो नहीं कह रहा है, मतलब वही तो नहीं पूछना चाह रहा है आपसे। बताइए एक बार, इसका एक बार ध्यान रखना मेरे भाइयों। भाई ये घुमा फिर के आई एन डी आई इसी के अल्फाबेट्स हैं कि नहीं? और मैंने बोला था कि जब इसी के अल्फाबेट्स हो तो वही उसकी नंबरिंग कर रहा है, वही बताया था। इसको लिख लो एक, इसको दो पर मान लो, तीन चार पांच, इसको भी लिख दो एक दो तीन चार पांच। आई कितना है? तीन पर। तीन पर क्या मेरे भाइयों? सिक्स। तीन पर क्या मेरे भाइयों? सिक्स। चौ आई मेरे भाई एन कितने पर है? वन पर। वन पर क्या मेरे भाइयों? थ्री। डी कितने पर है? चार। चार पर क्या मेरे भाइयों? फाइव। आई कितने पर? इस पर भी डाल लो ना, वन टू थ्री फोर फाइव। भाई ये थ्री पे, थ्री पे कितना था मेरे भाई? फाइव। आई किस पर है मेरे भाइयों? आई है मेरे भाई थ्री पर। थ्री पर देखो ध्यान देना, इस पे तो डालने की जरूरत नहीं है ना मेरे भाइयों, इसको तो उससे ही देखना है मेरे भाई, ध्यान देना। आई कहां पर है? तीन पर। तीन पर क्या अच्छा है? एन एक पर। एक पर क्या है मेरे भाइयों? तीन। डी किस पर है? चार पर। चार पर क्या मेरे भाइयों? फाइव। आई कितने पर है मेरे भाइयों? तीन पर। तीन पर क्या मेरे भाइयों? छह। ए कितने पर है? पांच पर। पांच पर क्या मेरे भाइयों? आठ। तो सिक्स थ्री फाइव सिक्स एट, सिक्स थ्री फाइव सिक्स एट, ये है कि नहीं भाइयों? सिक्स थ्री फाइव सिक्स एट, ध्यान देना, क्योंकि ये इसकी नंबरिंग कहीं ना कहीं घुमा फिर के वही कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ओ एन ओ आई डी नोडा भाई इसको लिख रहा है, तो मैंने बोला इसकी नंबरिंग कर दो आप, तो मेरे भाई क्या हो रहा है? आई एन डी आई ए को भाई आई कितने पर है? तीन पर। और तीन पर क्या है मेरे भाई? छह है। एन एक पर। एक पर क्या है मेरे भाई? तीन है। तो इस तरीका से आप आराम से कर सकते हो। आज का एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसी तरीका से हमारी फिर आगे क्लासेस चलती रहेंगी, बिल्कुल मैं टाइप बाय टाइप फिर क्वेश्चन अभी और लेके आऊंगा, और कम से कम तीन या चार वीडियोज आपके लिए अपलोडिंग मिलती रहेगी डेली, ध्यान देना मेरे भाइयों। एक्स को 48 लिखता है, एक्स को 48 लिखता है मेरे भाइयों, एसी एसीटी को, एसीटी को मेरे भाइयों 48 लिख रहा है, एसीटी को 48 लिख रहा है, तो कहता है आपसे टी ए डबल एल को क्या लिखेगा? बताइए मेरे भाइयों, टी ए डबल एल को क्या लिखेगा? बताइए मेरे भाइयों क्या लिखेगा, बताइए इसका आंसर एक बार मुझे बताइएगा कि इसको क्या लिखेगा, इसका आंसर एक बार बताओ। देखो ध्यान देना भाई, x कितने पर होता है? 24 पर। लेकिन मुझे दिखाई दिया किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ भाई 48 आ रहा है। यदि इसकी भी नंबरिंग करके देखूं, ए एक प्लस सी तीन प्लस टी 20, बीस तीन तेईस और एक 24, 24 मल्टीप्लाई टू, इसका मतलब भी क्या हुआ? 48। इसका मतलब इसने क्या किया? इसने नंबरिंग करके किसका मल्टीप्लाई किया मेरे भाइयों? 2 का मल्टीप्लाई किया। नंबरिंग की क्या किया मेरे भाइयों? इसने नंबरिंग की और किसका मल्टीप्लाई कर दिया मेरे भाइयों? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो बस बस वही करना है मुझे, टी 20 प्लस 1 एल 12 एल 12। भाई देखो ध्यान देना, 12 दो नहीं 24 और एक 25, 25 और मेरे भाइयों 20, कितना हो गया? 45। और 42 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 90, आंसर इज इक्वल टू 90। तो इसने क्या कर रहा था मेरे भाइयों? नंबरिंग किया, और नंबरिंग करने के बाद मेरे भाइयों क्या किया? 2 का मल्टीप्लाई किया। क्या किया मेरे भाइयों? नंबरिंग की और उसके बाद क्या किया मेरे भाइयों? मल्टीप्लाई 2 का किया। इस तरीका से ये सीरीज थी, मैं इस तरीका से आगे लेते रहूंगा क्वेश्चन, और बिल्कुल आप लग जाइए तन मन धन से, मैं टाइप वाइज भी क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बोलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ऑल दी बेस्ट, थैंक्स क्लास।